उसके बाद देखो, कंसीडर द बोर मॉडल टू वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विद एटॉमिक नंबर जेड मैच द क्वांटिटीज इन द गिवन कॉलम। ठीक है, तो आप देखो ये जो एन एन अपॉन फाइव के इनवर्स कौन प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो फर्स्ट के लिए, ए के लिए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एनर्जी के लिए होती है, तो ये हो जाएगा बी के लिए। जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब और जेड बाई एन किसके लिए होता है, जेड बाई एन किसके लिए होता है, एंगुलर स्पीड के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एन क्यूब। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब की बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। एक मिनट, यहाँ देखिए कि जो स्पीड होती है वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये तो डी के लिए। और फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम होता है, टाइम जो होता है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो ये सी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का हमारा थर्ड हो जाएगा, सी का हमारा फोर्थ हो जाएगा, और डी का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर शायद गलत दिए हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए।